हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रव नॉलेज एड्स। आज मैं आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में लेके आई हूँ। और पहले मैंने आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का इंट्रो तो दे ही दिया है। ये आपका ब्रेड बोर्ड था, इसका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे इसमें कनेक्शन होंगे। ये बीच वाला जो पार्ट था ये वर्टिकली शॉर्ट था, और ये नीचे वाले जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है। ये आपका मोटा मोटा आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये आपकी एलईडी है जो क्या करती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव लैग होता है इसका, तो ये भी हमें कनेक्शन करना है। तीसरा है हमारा आईसी, हमें ये यूज़ करनी है। और एक हमारा सप्लाई है, तो इन तीन चार चीज़ों की मदद से हमें इसमें सर्किट डायग्राम बनाना है। अब सबसे पहले हम पहला एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, टू वेरीफाई ऑल लॉजिक गेट्स। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, वेरीफाई द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो ये जो आपके ये गेट्स बने हुए हैं एंड गेट, तो इसका जैसे आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, IC 7408 एंड गेट की आईसी है, और गेट की आईसी आपकी 7432, नॉट गेट की आईसी आपकी 7404, नैंड गेट की आईसी आपकी 7400, नॉर गेट की आईसी है 7402, एग्जॉर गेट की आईसी है आपकी 7486। तो ये सारी क्या है आपकी आईसीज है। अप्रेटिस में आपका जैसे ब्रेड बोर्ड, कनेक्टिंग वायर, एलईडी प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपको करने के लिए किट में चाहिए होता है। एक फिर इसमें थ्योरी है, तो ये सारे आपको लॉजिक गेट्स जो होते हैं, आपको लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना होता है। ये देखिए, तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पिन नंबर आप कैसे कैसे इसके नोन करोगे। तो ये है, देखो आपका पिन डायग्राम है। जैसे ये आईसी है आपकी IC 7432, 32 में क्या है, पिन नंबर 1 पे इनपुट गया, 2 पे इनपुट गया, 3 पे आपका आउटपुट आ गया। ऐसे पिन नंबर 4 पे इनपुट, 5 पे इनपुट, 6 पे आउटपुट। 7 नंबर पिन आपकी ग्राउंडिंग के लिए यूज़ हो जाएगी, और 14 नंबर पिन आपकी VCC के लिए यूज़ होती है। मतलब यहाँ तो आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे सर्किट को, और जो ये 14 नंबर पिन है इसको कनेक्ट करोगे आप VCC से, प्लस 5 वोल्ट जो आएगा आपका उससे कनेक्ट। ऐसे इसके अपोजिट में जाएंगे तो 8 पे आपका आउटपुट आता है, 9-10 पे आप इनपुट देते हैं, वैसे 11 पे आउटपुट आएगा, 12-13 पे आप इनपुट देंगे। तो ये आपका किसी भी आईसी का क्या है, पिन डायग्राम है। तो यही आपको वेरीफाई करना होता है। ऐसे ही इसमें आगे जाके नॉट गेट है, तो नॉट गेट में क्या होता है आपके सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो सिंगल इनपुट मतलब पिन नंबर 1 पे इनपुट, 2 पे आउटपुट, ऐसे पिन नंबर 3 पे। तो ये कितने गेट का कॉम्बिनेशन बना रहा है एक आईसी में, ये आपके नॉट का 6 कॉम्बिनेशन बना रहा है। ऐसे ही आपके जो मैंने आपको ये वाली आईसी बताई थी, इसमें आपके 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ऐसे ही आप ये देख के चलिए आगे, ये सारे आपको वेरीफाई करवाने हैं। ये आपका 7400 नैंड गेट हो गया, 7402, ये आपका 7432 नॉर गेट है, 7402 है नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में पिन डायग्राम आप चेक कर लीजिए, सब में 1 पे इनपुट, 2 पे इनपुट, 3 पे आउटपुट। बट नॉर गेट में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, 1 पे आउटपुट आता है, 2-3 पे इनपुट जाता है, ऐसे 4 पे आउटपुट आएगा, 5-6 पे इनपुट जाएगा। हेलो, ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका डिजिटल ट्रेनर किट है। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसी में आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, जो ये हमारा आईसी है, जो हमारे गेट हैं, ये देखिए आप, ये क्लियर दिखेगा आपको, SN7408 एंड क्या है, MC74AC02। तो एक तो हमारा एंड का है और एक है नॉर का। तो आप इन दोनों आईसी को वेरीफाई कर लेंगे। एंड का मैंने इसलिए लिया है, इसका पिन नंबर 1, ये देखिए हल्का सा ये नॉच बना हुआ है, कट बना हुआ है, सीधी रखनी है आईसी। तो यहाँ का ये जस्ट इसके नीचे पिन नंबर 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन नंबर पिन हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और जो ये हमारा 14 नंबर यहाँ अपोजिट साइड में ऊपर की साइड 14 नंबर पिन है, तो ये हमारा VCC से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें भी पिन नंबर वन, ये नीचे की साइड हल्का सा डॉट देखिए ये बना हुआ है, तो ये पिन नंबर वन हो गया, 1 to 7 हो गया, इसके अपोजिट 8, 8 to 14, तो ये हमारी 14 पिन की IC है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहले कनेक्शन करना है, तो हमें क्या देना है, यहाँ से ये हमारा क्या है, लॉजिक है, ये हाई लॉजिक है, ये लो लॉजिक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे IC को सप्लाई दे सकते हैं। ये हमारा क्या है, VCC है, और ये ग्राउंड है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी हम IC को VCC या ग्राउंड दे सकते हैं, या हम किसी भी एक रो को, जो मैंने आपको ये बताया था ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड है, ये वाले पार्ट हॉरिजेंटल कनेक्टेड हैं, और ये वाले जो पार्ट है ये वर्टिकल कनेक्टेड है यहाँ, तो मैं सीधे सीधे ये दे दूँगी, एक यहाँ से मैंने VCC से ये कनेक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ऐसे ही ग्राउंड से मैंने कर दिया, जो ये वाला ग्राउंड है इससे मैंने कर दिया कनेक्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हमारी ये पूरी एक रो ग्राउंड से कनेक्ट हो गई, मतलब यहाँ हमें ग्राउंडिंग हो गई, और ये ऊपर वाली एक पूरी रो यहाँ तक, यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, VCC से कनेक्ट हो गया। अब हम IC को देंगे, तो IC को हम VCC देना होगा, तो यहाँ से दे देंगे, इसके 14 नंबर पिन को देना है, यहाँ से यहाँ देखिए, वायर्स आप थोड़ा सा ठीक लीजिए, ये इसका 14 नंबर पिन हो गया, ये इसका 7 नंबर पिन हो गया, ये वाला, ये इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। फिर हमें इनपुट देना है, तो इनपुट हम यहाँ से दे देंगे, ये वाला पिन नंबर वन, ये हमारा वर्टिकली शॉर्ट थे, हम किसी भी होल पे दे सकते हैं, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ऐसी पिन नंबर टू पे हमने यहाँ दे दिया, ये पिन नंबर टू, एंड लास्ट में हमारा जो आउटपुट आएगा पिन नंबर थ्री, ये काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, तो पिन नंबर 3, ये हम आउटपुट किसी भी LED पे चेक कर लेंगे, ये हम यहाँ से ट्रेनर किट ऑन करेंगे, ये ऑन किया, ये ऑन हो गया ट्रेनर किट, ठीक है। तो हम 00, देखिए ये जब ग्रीन जल रहा है तो ये 00, ये देखिए हमारा ये एंड गेट का सर्किट कंप्लीट मैंने बना दिया है। एक बार आपको रिव्यू फिर से दे देती हूँ, ये सबसे पहले मैंने ये VCC से ये वाली रो कनेक्ट कर दी, यहाँ तक हमारी ये रो आपस में हॉरिजेंटली कनेक्टेड है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, फिर ये वाली रो हमारी इधर हॉरिजेंटली कनेक्टेड है, तो मैंने इस साइड का एक रो सिंगल हॉरिजेंटल कनेक्ट कर दिया VCC से, ये VCC है, ऐसी ये वाला जो है पार्ट ये ग्राउंडिंग के लिए है, तो ये वाली रो मैंने यहाँ क्या कर दी, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दी, यहाँ तक, यहाँ पे ओपन सर्किट है आपका,
तो यहाँ मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने आईसी को सप्लाई दी है, तो आईसी को मैंने यहाँ से ये मैंने वीसीसी बना दिया, तो आईसी को मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी, इसको ये 14 नंबर पिन पे सप्लाई दे दी, और यहाँ मैंने ग्राउंड बना रखी है ये लाइन, तो इसको मैंने यहाँ से ग्राउंड 7 नंबर पिन से कर दिया। उसके बाद मैंने इनपुट दिया, इनपुट है ये दोनों मैंने पिन नंबर 1 और 2 पे लगा रखे हैं। ये आप देख लीजिए, पिन नंबर 1 और 2 मैंने आपको बताया, ये वर्टिकली शॉर्ट है तो आप किसी भी होल पे वर्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका 3rd नंबर पिन पे जो आउटपुट आएगा वो हम LED पे डाल देंगे जहाँ हमें आउटपुट दिखेगा। तो अब आते हैं हम इसके जो ट्रूथ टेबल है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या है हमारा, ये है। ये देखिए, ये हमारा 1 और 2 पे इनपुट गया, 3rd पे आउटपुट आएगा। तो एंड गेट क्या करता है हमारा, ए डॉट बी बनाता है, मतलब 0 0 पे 0 शो करेगा, 0 1 पे 0 शो करेगा, 1 0 पे 0 शो करेगा, और 1 1 पे 1 शो करेगा। ये आपका पिन डायग्राम है एंड का। तो ये मैंने आपको कनेक्शन दे रखे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जब ग्रीन लाइट जल रही है तो ये 0 0 है, 0 0 की कंडीशन में क्या दिखाएगा हमारा, यहाँ 0 शो करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी 0 0 की कंडीशन में 0 शो कर रहा है। अब मैं 0 1 करूँगी, 0 1 रेड जल जाएगा, तो 1 यहाँ अभी भी 0 शो कर रहा है, फिर 1 0 1 0 तो ये अभी भी 0 शो कर रहा है, और जब ये हमारे दोनों 1 1 हो जाएंगे तो हमारा ये ग्लो करेगा। ये देखिए, तो ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे गेट वेरीफाई करने हैं, जैसे नॉर हो गया, नॉर का भी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगी। नॉर में क्या है हमारा, जो हमारा ये कनेक्शन है मैं ये चेंज कर दूंगी, बस ये दे दूंगी, इसको 14 नंबर जो पिन था इसके भी 14 नंबर पिन में जाएगा। ऐसे ये वाला है, ये इसके 7 नंबर पिन पे चला जाएगा। ये आउटपुट नॉर में क्या होता है, पिन नंबर 1 पे आता है, तो आउटपुट मैंने पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर दिया, ये आप ध्यान रखना। और 1 और 2 पे हमारा, नहीं 2 और 3 पे हमारा इनपुट चला जाएगा। ये 3rd नंबर पिन कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये 2 नंबर पिन कनेक्ट कर दिया, ये वाला। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 पे आउटपुट, 2 3 पे इनपुट। तो नॉर का आप ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई करेंगे, ये आप लेके चलिए, ये नॉर है, 1 पे आउटपुट, 2 3 पे इनपुट। तो नॉर में क्या होता है, 0 0 पे क्या होगा, 1 शो करेगा, बाकी सारी कंडीशन में 0 दिखाएगा। ये देखिए, तो अभी क्या है हमारा, 1 1 है, 1 1 की कंडीशन भी हमारा 0 शो करेगा, फिर 0 0 1 भी हमारा 0 शो करेगा, और 0 0 हमारा 1 शो करेगा। अब देखिए ये शो नहीं कर रहा है, तो ये आपका मतलब गेट ख़राब है, ये आपका वेरीफाई हो गया कि ये गेट ख़राब है आपका। ऐसे ही हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ, इसका क्योंकि इसमें 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 4 गेट्स का, इसको हम यहाँ शिफ्ट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये देखिए, ये मैंने इसका 2nd गेट जो चेक किया, जैसे 1 2 3 तो इसका ख़राब है, पर इसका 4 5 6 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, तो ये ऑन हो गया खुद ही, 0 0 की कंडीशन पे 1 शो हो गया। बाकी सारी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, 1 0 1 1 या 0 1, तो ये इसका जो 2nd पार्ट है वो हमारा ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।